नमस्कार बच्चों, ये हमारा शारीरिक शिक्षा में पार्ट 3 योग शिक्षा चल रहा था, जिसका मैंने आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न सत्य असत्य और निश्चित उत्तर यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए थे कल तक की वीडियो में। आज हम लोग ये लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो जिनकी संख्या 5 है इसमें, ठीक है, जिसको मैंने अलग से कॉपी में भी नोट कर रखा है, तो वहाँ पर से हम इनको देखेंगे इस तरह से काम किया करके। हमने सबसे पहले ऐसे चैप्टर का नेम डाल रखा है, जैसे मैंने लघु उत्तरीय करके हेडिंग डाली है, लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर पहला प्रश्न है हमारा, योग के अष्ट अंगों के नाम लिखिए, यानी कि जो अंग हैं हमारे योग के उन आठों का नाम लिखना है हमने। तो सबसे पहले आया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इनको क्रम के अनुसार लिखना है, इनका क्रम आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यम कितने होते हैं किसी एक के बारे में लिखिए, यानी कि यम में कितने, यम के कितने अंग हैं वो लिखने हैं और किसी एक अंग के बारे में यम के बताना है, ठीक है। तो यम 5 होते हैं, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह, ठीक है। तो ये 5 अंग होते हैं यम के, और हम किसी एक के बारे में कर देते हैं तो अस्तेय के बारे में हमने यहाँ पे बताते हैं, मन वचन व कर्म से चोरी न करना, दूसरे के धन का लालच न करना ही अस्तेय कहलाता है, ठीक है। तो ये अस्तेय को हमने इसमें बताया, ठीक। अब हमारा जो है प्रश्न 3 आया, सभी नियमों के नाम लिखते हुए स्वाध्याय के संदर्भ में लिखिए, यानी कि जो भी हमारे नियम के अंग हैं उनके नाम लिखने हैं और उसमें स्वाध्याय को बताना है जो उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जितने नियम हैं उसके अंग हैं मैंने लिखे हैं आंसर में, ठीक है। पहला है सोच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ईश्वर प्राणिधान। तो हमको स्वाध्याय के बारे में बताना है, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं, स्वाध्याय अगर कैसे हेडिंग डाल लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे उसके बारे में, विचार शुद्धि व ज्ञान प्राप्ति के लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन, शिक्षा का सतत अभ्यास तथा सत्संग व विचारों का आदान प्रदान ही स्वाध्याय है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हम नोट कर लेंगे, ठीक है, अपनी शारीरिक शिक्षा की फेयर कॉपी पे, ठीक। फिर आया अगला क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन लघु उत्तरीय का, आसन क्या है लिखिए, ठीक है, आसन के बारे में बताना है। तो उत्तर है इसका, आसन शारीरिक शक्ति व सौष्ठव को अस्तित्व में रखते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण आसन के द्वारा ही संभव है, आलस्य सुस्ती व प्रमाद को हटाने के लिए आसन अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आसन क्या करके का आप इस तरह से आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन और था हमारा, इसमें लघु उत्तरीय में उसको भी देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग क्या है, यानी कि महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा दी है उसको हमने यहाँ पर लिखना है 5वें क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे डबल कॉमा के अंदर, चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी कि जो हमारा चित्त यानी कि मन है उसमें अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ उठती हैं जिनका जो है उनको रोकना या नियंत्रण में रखना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो यही जो है महर्षि पतंजलि ने अपने योग की परिभाषा में इसी तरह से कहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप जो है अपनी शारीरिक शिक्षा की फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। फिर कल की वीडियो में मैं आपको जो है इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो बताऊँगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आप जो है जहाँ पे आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न किए होंगे उसके नीचे से ही इन
क्वेश्चंस को और उनके आंसर को अपनी कॉपी पे नोट करेंगे।